आज के इस डिजिटल टाइम में हर एक चीज डिजिटल होती जा रही है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, हर एक चीज डिजिटल होती जा रही है। उसी तरह आपके डॉक्यूमेंट भी डिजिटल हो गए हैं। जैसे पहले के टाइम में आपको अपने डॉक्यूमेंट को कहीं ले जाना होता था या किसी और को देना होता था, आपको उन सभी को एक बड़ी सी फाइल में रखना पड़ता था, मगर अब आप इस मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं पीडीएफ फाइल की मदद से। हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांशु आपका स्वागत करता हूं आज के हिंदी ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं, पीडीएफ को डेवलप किसने किया, पीडीएफ का यूज और फायदे क्या है, साथ ही जानेंगे इसके नुकसान क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले वीडियोस की अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ एक तरह का फाइल फॉर्मेट होता है। पीडीएफ फाइल को 1990 के शुरुआती दशक में अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के फाउंडर एडोब जॉन वॉरनॉक ने डेवलप किया। पीडीएफ फाइल को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग साथ साथ इनलाइन इमेज डॉक्यूमेंट को शेयर करना आसान, जिससे इन पीडीएफ फाइल को विभिन्न कंप्यूटर के बीच आसानी से शेयर किया जा सके। इसको शुरुआती में सिर्फ कंप्यूटर यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे एंड्रॉइड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज करने लायक बनाया गया। दरअसल पीडीएफ को एडोब कंपनी ने इसलिए विकसित किया ताकि डिजिटल फाइल को आसानी से एक्सचेंज किया जा सके और डॉक्यूमेंट को आसानी से ओपन और प्रिंट कर सके। आप पीडीएफ को अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों में किसी में भी बना सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान होगा। पीडीएफ फाइल बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर में पीडीएफ को दो तरह से बनाया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एडोब फोटोशॉप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पीडीएफ फाइल बनाना बहुत ही आसान होता है। जिस फाइल को आप पीडीएफ फाइल में बनाना चाहते हैं उसे सबसे पहले ओपन करें। ओपन करने के बाद फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उनमें से सेव एज पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपसे फाइल का नाम पूछा जाएगा, वहां नाम डालें। उसके नीचे सेव एज टाइप का ऑप्शन होगा जिसमें आपको पीडीएफ पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद उसके नीचे सेव एज टाइप का ऑप्शन होगा, उसमें पीडीएफ चुनें और उसके बाद सेव कर दें। आपकी पीडीएफ फाइल तैयार है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एडोब फोटोशॉप में पीडीएफ बनाना एक जैसा ही है, पर मोबाइल से पीडीएफ बनाना थोड़ा अलग है। मोबाइल से पीडीएफ फाइल बनाना और भी ज्यादा आसान होता है। जैसे कि आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, तो चलिए जानते हैं कि मोबाइल से पीडीएफ फाइल कैसे बना। वैसे तो गूगल स्टोर और iOS स्टोर पर ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप मोबाइल में पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। बस आपको पीडीएफ कन्वर्टर सर्च करना होगा और कई सारे ऐप्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ओपन करके उसमें कोई भी फाइल आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब तक हमने जाना पीडीएफ क्या होता है और पीडीएफ फाइल को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पीडीएफ फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। अपने मोबाइल में पीडीएफ फाइल को ओपन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसकी मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि एडोब एक्रोबोट रीडर। इसको एडोब कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस ऐप की मदद से आप आसानी से किसी भी पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं और किसी भी फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप इसे अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पीडीएफ दूसरा है, गूगल पीडीएफ व्यूअर बहुत अच्छा ऐप है। इसकी मदद से भी आप पीडीएफ फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं। यह ऐप आप गूगल द्वारा बनाया गया है, इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस ऐप को भी आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस ऐप को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह भी एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ रीडर ऐप है। इसकी मदद से आप पीडीएफ बना भी सकते हैं और पीडीएफ को ओपन भी कर सकते हैं और आप इसे बहुत ही आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में, और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान। यहाँ पर हम आपको मुख्य तीन ऐप्स के बारे में बताया है जिनसे आप पीडीएफ फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल को बना सकते हैं। आपको और भी कई सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिनसे आप इस काम को कर सकते हैं। चलिए अब पीडीएफ के कुछ फायदे के बारे में जानते हैं। पीडीएफ का ये फीचर सबसे बढ़िया है जिसमें आप पीडीएफ फाइल को किसी भी डिवाइस में बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने एंड्रॉइड मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर किसी में भी ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस एक समान ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। पीडीएफ फाइल आज के विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली फॉर्मेट में से एक है, और इसका मुख्य कारण यह है कि इसको कोई भी बना सकता है, वह भी बहुत आसानी से। सिक्योरिटी पीडीएफ फाइल का एक महत्वपूर्ण फायदा है। आप अपने कंटेंट और डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ फाइल में वाटरमार्क, पासवर्ड या डिजिटल सिग्नेचर की मदद से उसे सिक्योर कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल में आप एक साथ कई सारी जानकारी को स्टोर कर सकते हैं, और यह इसका एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, क्योंकि एक पीडीएफ फाइल में 15,477 पेज हो सकते हैं, यानी आप इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको कई तरह के कंटेंट को सेव रखने की अनुमति देता है, जिसमें आप टेक्स्ट, फोटो व अन्य कंटेंट को सेव कर सकते हैं। आप पीडीएफ फाइल को
रिपोर्ट प्रोजेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल में कोई वर्ड या ऑब्जेक्ट को सर्च करना चाहते हैं, आप उसे पीडीएफ फाइल में उपलब्ध क्विक सर्च के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं पीडीएफ के नुकसान क्या है। अब तक हमने पीडीएफ के फायदे के बारे में जाना, तो चलिए अब इसके कुछ नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह जिस चीज के फायदे होते हैं उसी तरह उनके नुकसान भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं। पीडीएफ का सबसे पहला नुकसान यह है कि जब हम किसी पीडीएफ फाइल को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो उसे ओपन करने के लिए पीडीएफ रीडर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम उस पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं, वरना हम पीडीएफ फाइल को ओपन नहीं कर सकते। जब हम पीडीएफ फाइल को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो हम उसमें दोबारा से आसानी से कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते, यह इसका एक नुकसान है। पीडीएफ फाइल के टेक्स्ट को कॉपी करना बहुत ही मुश्किल होता है। पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट का साइज सामान्यतः बहुत छोटा होता है, जिस कारण इसे छोटे डिवाइस जैसे मोबाइल में ओपन करने में कुछ चीजें पूरी तरह से दिखाई नहीं देती, यह भी इसका एक नुकसान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।